तीन रीजंस बताऊंगा इस वीडियो में जिनकी वजह से तुम एनडीए 2023 रिटन एग्जामिनेशन क्वालिफाई नहीं करने वाले हो। 90% एस्पिरेंट्स इन गलतियों को कर रहा होता है जिनके कारण उनका एनडीए रिटन एग्जामिनेशन क्वालिफाई नहीं हो पाता। देखो, आज जिस भी सिचुएशन में हो, सबसे पहले संकल्प लो कि आज से मैं अपनी गलतियों को एक्सेप्ट करूंगा और इसे ना दोहराने की पूरी कोशिश करूंगा। मेरी बात को याद रखना, जिस भी दिन से यह एक्सेप्टेंस वाली क्वालिटी तुम्हारे अंदर आ गई, तुम आर्म्ड फोर्सेस के लिए सक्षम बनते जाओगे। सबसे पहले मैं जो बोलूँगा उन पॉइंट्स को लिखो और जहाँ पढ़ते हो वहाँ पर टेबल के सामने पेस्ट कर दो और पूरे दृढ़ निश्चय के साथ यह संकल्प लो कि इन आने वाले समय में मैं इन पॉइंट्स को फॉलो करूँगा और अपने पास्ट मिस्टेक्स को फिर से नहीं दोहराऊँगा। पॉइंट वन, स्ट्रैटेजी। देखो भाई, जब भी आप स्ट्रैटेजी बनाओ उसको छोटे छोटे टारगेट्स में डिवाइड करो और उसे अचीव करते जाओ। जैसे कि लॉन्ग टाइम गोल क्लियर हो, शॉर्ट टाइम गोल क्लियर हो, और अगले एक हफ्ते में क्या करना है, आज 24 घंटे को कैसे मैनेज करना है, इसकी पूरी क्लैरिटी होनी चाहिए आपके पास। एक इम्पॉर्टेंट बात यह भी है कि स्ट्रैटेजी पर्सन टू पर्सन वेरी करेगी, क्योंकि आपको अपने बारे में सबसे ज़्यादा पता है। सो मेक योर ओन स्ट्रैटेजी। स्ट्रैटेजी बनाने के लिए आपको नंबर ऑफ रिमेनिंग डेज को नंबर ऑफ चैप्टर से डिवाइड करना है। याद रखिए, जो बड़े बड़े चैप्टर्स हो गए जैसे डिफरेंशियल एंड इंटीग्रल कैलकुलस, इन पे आपको ज़्यादा टाइम देना है। स्ट्रेटजी बनाते समय अपने स्टडी रिसोर्सेज की भी क्लैरिटी रखिए कि आप क्या क्या स्टडी सोर्सेज को फॉलो करने वाले हो। आपको इस सब्जेक्ट्स में प्रॉपर टाइम मैनेज करके काम करना होगा। स्ट्रेटजी में डिटेल्ड वीडियो आपको आपके डिमांड के अकॉर्डिंगली बनाया जाएगा। अपने ब्रेन को पूरी क्लैरिटी दो कि आपका स्ट्रेटजी प्रोसेस क्या होने वाला है। क्लैरिफिकेशन ऑलवेज ब्रिंग्स एक्शन टेकिंग माइंड सेट, एंड मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स डोंट हैव क्लैरिफिकेशन ऑफ देयर स्ट्रेटजी प्रोसेस। अब बात करते हैं पॉइंट टू की, फॉलोइंग इज इम्पॉर्टेंट। देखो, कई एस्पायरेंट्स को देखा हूँ, हर हफ्ते स्ट्रेटजी बना रहे होते हैं और जबकि करना उनको कुछ नहीं होता है। इसके लिए तीन कारण मुझे लगता है। पॉइंट वन, फियर ऑफ फेलियर। पॉइंट टू, इम्प्रैक्टिकल टास्क। एंड लास्ट वन, लो कॉन्फिडेंस एंड लैक ऑफ मोटिवेशन। पहले सब पॉइंट की बात करें तो याद रखो, आपका अधिकार केवल कर्म करना है और तुम्हारे कंट्रोल में केवल अपना 100% देना है। बाकी सिलेक्शन होगा या नहीं होगा, इसको सोच के आप अपने प्रेजेंट को मत खराब करो। फियर ऑफ फेलियर सबको होता है। इससे डील करने का सबसे अच्छा तरीका है कि आप अपने एग्जाम प्रिपरेशन को एंजॉय करो बिना किसी ओवरथिंकिंग के। नाउ सेकेंड वन, देखो भाई, डेली टारगेट, वीकली टारगेट और मंथली टारगेट को प्रैक्टिकली सेट करो। अगर आपको पढ़ने की थोड़ी भी हैबिट नहीं है और आप सोचो कि कल से 12 घंटा पढ़ूंगा, तो यह पॉसिबल नहीं है। सो हैबिट धीरे धीरे बिल्ड होगी। जो आप कर पाओ कंसिस्टेंटली डे बाई डे, वैसी प्रैक्टिकल गोल को सेट करो। थर्ड सब पॉइंट की बात करते हैं, कॉन्फिडेंस गेन करना है ना, तो कोई एक चैप्टर उठाओ, थियरी पार्ट अच्छे से करो, कुछ इलस्ट्रेशंस करो और एग्जाम्पल्स को करो। जब सब हो जाए तो उसी चैप्टर के PYQ को प्रैक्टिस करो। जब क्वेश्चंस सॉल्व होने लगेंगे ना, तो कॉन्फिडेंस अपने आप मिलेगा। एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट, जब भी मोटिवेशन ना मिले पढ़ाई करने का, YouTube पे कचड़ा देखने से बहुत अच्छा रहेगा कि आप रीजंस फाइंड आउट करो कि आपको आर्म्ड फोर्सेस क्यों ज्वाइन करना है, आपने प्रिपरेशन स्टार्ट क्यों किया, इसके बारे में सोचो। ऑलवेज रिमेंबर दैट इंटरनल मोटिवेशन इज परमानेंट एंड सर्चिंग एक्सटर्नल मोटिवेशन इज टेम्पररी एंड इट्स जस्ट अ वेस्ट ऑफ टाइम। सो मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स प्रिपेयर स्ट्रेटजी बट डोंट फॉलो द रूल इज द बिगेस्ट प्रिपरेशन फॉल्ट। पॉइंट थ्री, स्टे कंसिस्टेंट। आज और अभी अपने आप से संकल्प करो कि कुछ भी, कितना भी अप्स एंड डाउन्स आए, मैं अपनी पढ़ाई नहीं छोड़ूंगा। याद रखिए, आप अपने किए गए प्रयासों को परिणाम में तभी बदल पाओगे जब आप शुरू से अंत तक डटे रहोगे। आपको पढ़ने की हैबिट बनानी है थ्रू आउट योर जर्नी। डेली कंसिस्टेंटली आपको पढ़ना होगा। इनिशियल डेज में कंसिस्टेंट रहना थोड़ा कठिन होता है, बट यदि आप एक बार हैबिट बिल्ड कर लिए ना,
होगा तो आपको एनडीए में जाने से कोई नहीं रोक पाएगा। थर्ड पॉइंट कंक्लूजन इज दैट मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स आर नॉट एबल टू मेंटेन कंसिस्टेंसी एंड दैट इज देयर बिगेस्ट मिस्टेक। पॉइंट फोर, एक्सेप्ट योर डिसकम्फर्ट जोन। देखो, आज तक आप जो कर रहे थे और जो आप करोगे अपकमिंग डेज में वो डिफरेंट होगा, क्योंकि आपको प्रेजेंट टाइम और सक्सेस के बीच का गैप को फिल करना है, जिसमें आपको एंटरटेनमेंट, अननेसेसरी स्लीप, रैंडम स्क्रॉलिंग, वर्थलेस गॉसिप्स, टाइम वेस्टिंग अवॉइड करना होगा, और आपको डिसिप्लिन में रहकर एक कमरे में पढ़ना होगा जो कि काइंड ऑफ आप अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकल रहे हो। आप एक्सेप्ट करो कि हाँ, एनडीए में जाना है और इसके लिए जो त्याग करना पड़ेगा वो मैं करने के लिए तैयार हूँ कुछ महीने के लिए। सो ऑलवेज रिमेंबर, द पेन ऑफ डिसिप्लिन इज लेस देन द पेन ऑफ रिग्रेट। और हाँ, एक बात हमेशा याद रखो कि जो भी सफल हुआ है, चाहे कोई भी हो, उसने अपने जीवन में कई सारे सैक्रिफाइसेस किए होते हैं और सबको करना होगा। आप अभी जो हो और जो बनने वाले हो वह तभी पूरा होगा जब आप अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकलोगे। कंक्लूजन, मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स आर नॉट अवेयर ऑफ रियलाइजेशन एंड एक्सेप्टेंस ऑफ देयर डिसकम्फर्ट जोन। पॉइंट फाइव, डिसिप्लिन। मैंने नोटिस किया है कि मोस्ट ऑफ द कैंडिडेट्स आर नॉट डिसिप्लिन्ड। 10 मिनट बाद पढ़ लेंगे, कुछ यूट्यूब शॉर्ट्स देख लेते हैं, इंडिया का मैच है, कल पढ़ेंगे, आज सो लेते हैं। अगर तुम्हारे साथ ऐसा सीन है तो साफ साफ बता रहा हूँ कि तुम आर्म्ड फोर्सेस के लिए नहीं बने हो। जिस एग्जाम की तैयारी कर रहे हो और जो लोग इस फील्ड में हैं वे हाईली डिसिप्लिन्ड होते हैं। अनुशासनहीनता आपको कभी सफल नहीं बनाएगी। कुछ करके रिटन एग्जाम हो भी गया आपका तो इसकी क्या गारंटी है कि आपका SSB इंटरव्यू होगा ही होगा, यह बताओ। पहले दिन में आप जो टारगेट फिक्स किए हो उसको पूरे डिसिप्लिन और फोकस के साथ कंप्लीट करके सोना है, ऐसा एटीट्यूड होना चाहिए आपका, तब होता है सिलेक्शन। फोकस्ड भी होना इम्पॉर्टेंट है एग्जाम प्रिपरेशन में, तो आप पोमोडोरो टेक्निक का यूज कर सकते हो फोकस बढ़ाने के लिए। कंक्लूजन, डिसिप्लिन इज मोस्ट क्रूशियल इन एग्जाम प्रिपरेशन एंड मोस्ट ऑफ द कैंडिडेट्स आर नॉट एबल टू मेंटेन डिसिप्लिन एंड दैट इज देयर बिगेस्ट प्रिपरेशन फॉल्ट। पॉइंट सिक्स, कंट्रोल अननेसेसरी थॉट। मैं इसके लिए एक सेंटेंस बोलूँगा, वो है, वी आर responsible फॉर द थिंग्स ओनली विच आर अंडर आवर कंट्रोल। हम उन्हीं चीज़ों के लिए उत्तरदायी होते हैं जो चीज़ें हमारे नियंत्रण में हो। जो चीज़ें हमारे कंट्रोल में है ही नहीं तो हम उसके बारे में सोचकर अपना समय क्यों व्यर्थ करें। आई वुड से दैट जस्ट फोकस ऑन बिल्डिंग योर सेल्फ एंड इम्प्रूविंग योर सेल्फ डे बाई डे। सो ओवर थिंकिंग किल्स योर मेंटल पीस एंड एफिशियंसी। पॉइंट सेवन, प्रायोरिटाइज प्रैक्टिस ओवर थियरी। आप किसी पार्टिकुलर चैप्टर को कर रहे हो तो आपको एक ग्रेजुअल प्रोसेस में ही काम करना होगा। ऐसा नहीं होता है ना कि बिना थियरी के आप क्वेश्चन डायरेक्टली प्रैक्टिस करने लग जाओ। सो ग्रेजुअल प्रोसेस में चलो। थियरी पोर्शन में कॉन्फिडेंस प्राप्त करने के बाद आपको क्वेश्चन प्रैक्टिस करना होगा, तभी आपको एक चैप्टर में कॉन्फिडेंस आएगा। आप चैप्टर वाइज PYQ करो बेस्ट रिजल्ट के लिए। एटलीस्ट आपको एग्जाम के पहले मैथ्स में पर चैप्टर 200 क्वेश्चंस प्रैक्टिस करने ही होंगे, जिनमें से कुछ ऐसे क्वेश्चंस मिलेंगे जो आपसे सॉल्व ना हो, और ऐसा भी हो सकता है कि वो क्वेश्चंस आपको सॉल्यूशन देखने के बाद भी थोड़ा बहुत ना समझ में आए। तो जो ऐसे क्वेश्चंस होते हैं वो आपको मार्क आउट आप कर लीजिए और उसे एग्जामिनेशन के पहले 2-3 बार रिवीजन करो, ताकि आपको उस टाइप के कॉन्सेप्ट में अच्छी पकड़ बन जाए। अगर हो सके तो जिस क्वेश्चंस में आपको कुछ एक्स्ट्रा कॉन्सेप्ट सीखने के लिए मिल रहा है तो उस टाइप के क्वेश्चंस को आप शॉर्ट नोट्स में ऐड कर सकते हैं। अभी मैंने 200 क्वेश्चंस की बात की तो यह 200 क्वेश्चंस कोई फिक्स्ड नहीं है, चैप्टर्स के अकॉर्डिंगली वेरी करता है और यह आपके ऊपर भी निर्भर करता है कि आप कितना क्वेश्चंस प्रैक्टिस करना चाहते हो। पॉइंट एट, सेल्फ स्टडी टाइमिंग मस्ट बी ग्रेटर देन ट्यूशन टाइमिंग। आइडियली आप ऑनलाइन ऑफलाइन कहीं से भी पढ़ो, आपकी सेल्फ स्टडी टाइमिंग 1.5x मिनिमम होनी चाहिए एज कम्पेयर टू क्लास टाइमिंग। पॉइंट नाइन, कीप ट्रैकिंग योर प्रिपरेशन। आप जो भी चैप्टर्स पढ़ें उसका प्रोग्रेस रिपोर्ट एनालाइज करते रहें,
चैप्टर्स के नाम लिखो, थियरी, प्रैक्टिस, रिवीजन और टेस्ट, इन चारों को ट्रैक करते रहो चैप्टर वाइज। इस तरह से आपको अपने वीक एरियाज और स्ट्रॉन्ग एरियाज के बारे में पूरा आइडिया हो जाएगा, जिससे आप अपने आप को इम्प्रूव कर सकते हैं। आपको टाइम टू टाइम अपने आप को टेस्ट करना चाहिए। आप जितना हो सके टेस्ट पेपर दो, उसको एनालाइज करो, जहाँ भी आप लैक करो उसे इम्प्रूव करते रहो। आपका अल्टीमेट एम यही होना चाहिए कि आप अपने टेस्ट मार्क्स को इम्प्रूव कैसे कर सकते हैं। सो मेजोरिटी ऑफ स्टूडेंट्स आर अनअवेयर ऑफ देयर प्रोग्रेस रिपोर्ट एंड दिस कैन बी देयर बिग फॉल्ट ऑफ फेलियर। पॉइंट 10, बैलेंस ऑल सब्जेक्ट्स। आप सभी सब्जेक्ट्स को बैलेंस करते हुए चलो, जिसके लिए आपको प्रॉपर टाइम मैनेजमेंट की ज़रूरत पड़ेगी। आप किसी दूसरे से एक्सपेक्ट ना करो कि वह आपका टाइम मैनेजमेंट करवाएगा। जो भी करना होता है खुद करना होता है। आपको अपने बारे में बेटर आइडिया होता है एज कम्पेयर टू अदर्स। आप सभी सब्जेक्ट को प्रॉपर टाइम दो। किसी सब्जेक्ट या पोर्शन को लाइटली बिल्कुल नहीं लेना है। मेजोरिटी ऑफ एस्पायरेंट्स आर नॉट एबल टू बैलेंस ईच सब्जेक्ट्स प्रॉपरली, दैट इज व्हाई दे आर नॉट एबल टू स्कोर गुड मार्क्स। मैं आशा करता हूँ कि आपको इस वीडियो से बहुत कुछ सीखने को मिला होगा। इन पॉइंट्स को अपने डेली लाइफ प्रिपरेशन में अप्लाई जरूर करो। मुझे पूरा विश्वास है कि आपका NDA जरूर क्वालिफाई होगा। हमारे टेलीग्राम चैनल को जरूर ज्वाइन करिए, वहाँ आपको सभी अपडेट्स सबसे पहले मिलेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड ऑल द वेरी बेस्ट।